नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने राजस्थान 10+2 इंटर लेवल 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि हो गया है तो कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप दोबारा से एडिट करेक्शन कर पाइएगा, उसकी A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या प्रक्रिया होने वाली है सुधार को लेकर। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे कि आखिर क्या बताया गया है कि कैंडिडेट आखिर कैसे सुधार कर पाएंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रखा है, जिसमें आप सभी यहां पर देख लीजिए जो कि इंटर लेवल का ये वैकेंसी था उसका नोटिफिकेशन है। यहां पर देख सकते हैं डेट दिया गया है कि आखिर कब जारी किया गया था ये नोटिफिकेशन, और नीचे आइएगा तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए होंगे उस पोस्ट का यहाँ पर नाम दिया गया है, कॉन्स्टेबल का है, और यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल के आई है, और यहाँ पर आप सभी का MTS लेवल का भी है। हर एक पोस्ट की जानकारी यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि ये जो राजस्थान इंटर लेवल वैकेंसी है उसी का ये फुल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका संशोधन से रिलेटेड यानी करेक्शन से रिलेटेड जानकारी भी दी गई है। तो चलिए करेक्शन से जो रिकॉर्डिंग जो बात कही गई है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। सबसे पहले दोस्तों, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी का जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आप सभी ये नोटिफिकेशन आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि बताया गया है कि कैसे आप सभी का सुधार होने वाला है, पर दोस्तों यहाँ एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 2024 है वो 2023 में यहाँ पर बदल दिया गया है, तो इस प्रकार कुछ मिसप्रिंट है, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। बाकी जो मेन जानकारी है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ देखना है, बताया गया है यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो परीक्षा आयोजन के पश्चात निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी का एक विशेष डेट निकाला जाएगा जिस समय में आप सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाइएगा, और यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि परीक्षा आयोजन से पहले आप सभी का ये करेक्शन डेट है जो निकाला जाएगा, और कितना लगेगा चार्ज वो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 300 रुपया यहाँ पर करेक्शन चार्ज लगने वाला है, तब आप करेक्शन कर पाइएगा। पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर आप कौन से डिटेल्स में सुधार कर पाएंगे और कौन से डिटेल्स में सुधार नहीं कर पाएंगे, ये बेहद जान लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि अगर आप OTR किए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उस जानकारी में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने दिया है उसको आप लोग यहाँ पर बदल सकते हैं, जैसे शैक्षणिक योग्यता में आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसके मार्क्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप लोग आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं रोल नंबर या फिर जो भी नंबर है, अगर उस मार्क्स में आप लोग बदलाव लाना चाहते हैं तो आसानी के साथ यहां पर कर सकते हैं। पर नीचे आइएगा दोस्तों, तो और भी अन्य जानकारियां दी गई है कि आखिर कैसे सुधार होगा, क्या कुछ पूर्ण प्रक्रिया रहेगी, उसकी जानकारी यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरा नंबर आर्टिकल में दिया गया है कि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि रह जाती है तो उसे परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दे दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी, उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित शुल्क 300 रुपये के साथ अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर पाएंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि एक डेट आप सभी का जरूर जारी किया जाएगा, अभी फिलहाल तो कोई डेट आपका संशोधन का
नहीं बताया गया है, पर यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बता दिया गया है कि अगर जिन भी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गया है तो घबराएं ना, उसके लिए एक विशेष डेट समय निकाला जाएगा। जैसे ही उस समय निकाला जाएगा दोस्तों, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो ऐसे में आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अन्यथा अपडेट अगर आप लोग मिस कर देते हैं तो फिर आप लोग करेक्शन नहीं कर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि बताया गया है कि अगर जो भी अभ्यर्थी संशोधन नहीं कर पाते हैं तो उस अभ्यर्थी का आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप सभी को 300 रुपया लगेगा ऑनलाइन यहाँ पर सुधार करने में, और उस समय एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें हर एक डिटेल्स को विस्तार पूर्वक बताया हुआ रहेगा कि आखिर कौन कौन से डिटेल्स में आपका सुधार होगा। यहाँ तो सिर्फ शॉर्ट नोटिस बताया गया दोस्तों कि ऐसे ऐसे आपका सुधार होने वाला है, इस समय को सुधार होने वाला है, बस इतना ही जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि कैसे करेक्शन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।